हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ छत पर बागवानी। आजकल हम सभी के लाइफस्टाइल्स इतने बिजी हैं कि हम अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, फिर क्या बीमार पड़ जाते हैं और लगाते हैं अपने डॉक्टर्स के चक्कर। डॉक्टर्स के चक्कर ना लगे, इसमें हमारा टेरेस गार्डन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हम अपने टेरेस गार्डन में जो भी वेजिटेबल्स लगाते हैं उससे हम कुछ हेल्दी जूसेस तैयार कर सकते हैं और अपने आप को बना सकते हैं हेल्दी एंड फिट। तो आइए सीखते हैं यही हेल्दी जूसेस बनाना आज के हमारे इस एपिसोड में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं रॉ जूस थेरेपी की, और हम उन सब सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे छत पे हो रही हैं। और ये जो जूस थेरेपी है, हम रॉ फॉर्म में इसलिए हम लेते हैं कि उसमें यदि हम कुक करके करते हैं तो उसमें काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि हम रॉ फॉर्म में लेते हैं तो उसके सारे मिनरल्स और सारे विटामिन्स उसी के अंदर इंटैक्ट रहते हैं। तो ये जो जूस थेरेपी हमारी दो तरह से काम करती है, एक तो आप यदि हेल्दी हैं तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, और दूसरा यदि कोई आपको बीमारी है, जैसे आपको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या किडनी की या अल्सर्स कुछ भी है, उसको ठीक करने के लिए भी जूस थेरेपी ली जाती है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जूस थेरेपी जो है वो आपको खाली पेट में लेना चाहिए। जो भी आप जूस बनाते हैं उसको खाली पेट में लें, जिससे कि विद इन 45 मिनट्स आपकी बॉडी में वो घुल मिल जाती है और उसके बाद में उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इसलिए फाइबर के साथ नहीं लेके हम उसका जूस निकाल के वेजिटेबल का लेते हैं। तो जब हम जूस थेरेपी की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा स्थान आता है व्हीट ग्रास का। व्हीट ग्रास का जूस जो कि दिया जाता है स्पेशली कैंसर पेशेंट जिनका कि ब्लड काउंट बहुत कम हो जाता है या जो बहुत हाई एनीमिक होते हैं उनके लिए किया जाता है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये व्हीट ग्रास उगाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। व्हीट तो हमको कहीं से भी मिल जाएगा, और हम यदि उसकी थेरेपी करना चाहते हैं तो हम उसके 7 गमले लेंगे जो मिट्टी से भर लेंगे। मिट्टी के भरने के बाद उसको गेहूं को 4-5 घंटे भिगो के आप उसमें फर्स्ट वाले गमले में डाल दीजिए, फिर दूसरे दिन आप दूसरे गमले में डालिए। इसी तरह से 7 दिन तक आप ये गेहूं डालते रहेंगे और चौथे दिन जो फर्स्ट वाला है उसमें अंकुर निकल आएंगे। आप बेल्कनी में भी उगा सकते हैं, छत पे तो उगा ही सकते हैं, लेकिन जहाँ भी थोड़ी बहुत धूप आती है वहीं पे आप इसको उगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चिकित्सा है जो आप व्हीट ग्रास के थ्रू कर सकते हैं। ये जो व्हीट ग्रास मैंने इसमें से काट लिया है, काट के मैंने अच्छे से धो के इसको यहाँ पे रख लिया है। हम इसको मिक्सी में डाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। अब ये बहुत अच्छी तरह से पीस गया है और इसका अच्छा पेस्ट बन गया है पानी के साथ मिलके। अब इसको हम छान लेते हैं। देखिए इतना अच्छा इसका रंग निकला है, काफ़ी सारा इसमें जूस निकल आया इसका। तो यदि आप पानी के साथ में इसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो इसमें इसको कम से कम 4 टेबलस्पून आप लीजिए, और इसमें यदि आपको इसका स्वाद इतना अच्छा नहीं लगेगा तो इसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, तो इससे इसका स्वाद भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब दूसरा जूस मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है पुदीने का, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और धनिया। इन दोनों का मिक्स करके बनाना है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा आयरन है, और ये पेट के लिए पुदीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, स्पेशली गर्मियों में जबकि हमारा डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है, उस टाइम ये हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ये पुदीना मैं ले रही हूँ और इसके पत्ते मैं निकाले दे रही हूँ। तो इसमें हमने पुदीना डाला, इसके पत्ते तोड़ के डाल लिए, और इसके साथ साथ धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। अब ये दोनों पत्तियां हमने इसमें भर दी हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्सी को चला लेंगे। अब ये काफ़ी अच्छे से पिस गया है, इसकी चटनी सी बन गई है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसके पत्ती के साथ भी हम लोग पी सकते हैं।
तो लीजिए ये आपका तैयार हो गया ग्रीन जूस, जो कि धनिया और पुदीना और थोड़ा सा नींबू डाल के बनाया गया। अभी हम जूस थेरेपी की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे छत पे जो सब्जियां होती थी उनका हम जूस निकाल रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो कि छत पे नहीं हो सकती है, वो है नारियल, फ्रेश नारियल। और इसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और इसका जो है जूस कंटेमिनेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो इसको धोने की ज़रूरत है ना इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। इसको आपने खोला और उसको डाल के आपने पी लिया। और जो लोग भी बहुत हाई मेडिकेशन के ऊपर हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वाले लोग हैं या जो हाई बीपी वाले लोग हैं, उनके क्योंकि वो सारे केमिकल्स ले रहे हैं तो वो केमिकल्स के फॉर्म में जो उनके बॉडी में जाता है तो उससे काफ़ी टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। तो उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ये नारियल पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाला है। और स्पेशली जब डायरिया या डिसेंट्री या आपका लूज मोशन होते हैं किसी वजह से, तो ये क्योंकि आपकी बॉडी से सारा पानी निकलता जाता है तो ये नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है। इसको दिन में उस टाइम में दिन में 3-4 दफ़ा इसका पानी निकाल के पीजिए, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट नेचुरल फॉर्म में आपको इसमें मिलेंगे। करेला, लौकी, चुकंदर कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनसे लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप इन्हें अपनाकर तो देखिए, ये आपको हेल्दी बनाकर ही छोड़ेंगे। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार दोपहर 12:05 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या हैं आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार 10:00। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारे आज के सफर को आगे बढ़ाते हैं और जूस थेरेपी से जुड़ी और भी अधिक जानकारियां हासिल करते हैं। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी कॉम्बिनेशन जो है वो डायबिटीज के लिए है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं, और उसको जूस थेरेपी के द्वारा हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो है करेला और खीरा और ये टमाटर। तो ये डेली आप लें और इसको खाने से पहले लें, खाने के बाद ना लें, ब्रेकफास्ट से पहले आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये आपको लेना चाहिए और इसका एब्जॉर्प्शन उससे बहुत ही बढ़िया होगा और आपका डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब हम इसका जूस निकाल लेते हैं। अभी हमने खीरा, टमाटर और करेले का जूस निकाला है और इसमें हमने 2 करेले डाले हैं, 2 खीरे डाले हैं और 2 टमाटर डाले हैं, तो उसका ये इतना जूस निकल आया इसके अंदर। जूस थेरेपी का फर्स्ट जो है एक्शन क्या है कि बॉडी के टॉक्सिन्स को फेंकता है, और सेकंड है कि वो उसको मेंड करता है, और थर्ड वाला है कि उसमें वो फ़ायदा करता है। तो 3 स्टेजेस में ये जूस थेरेपी चलती है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसका तुरंत रिजल्ट आएगा, कम से कम 3-4 हफ्ते तो इसका रिजल्ट आएगा ही। अब इसमें से देखिए इसका गूदा सारा निकल आया है, तो इस गूदे को फेंकने के बदले आप इसका कंपोस्ट बनाइए। आजकल तो हर घर में कंपोस्ट बनाने के बाल्टियाँ मिल रही हैं, तो आप वो रख लीजिए और इसका कंपोस्टिंग करिए। इससे बहुत ही उत्तम क्वालिटी का खाद तैयार होता है।
अभी एक और जूस है जो हम बता रहे हैं, वो है आलू का जूस। तो ये जो आलू है ये बहुत हाई एल्कलाइन होता है, और ये जनरली जिनको घुटनों की बीमारी होती है, जैसे आर्थराइटिस वगैरह है या जोड़ों की बीमारी है, क्योंकि क्या होता है घुटनों में जो भी जोड़ हैं उसमें एक डिपॉजिट जाके बैठ जाता है। तो क्योंकि ये बहुत हाई एल्कलाइन है, इसकी वजह से वो धीरे 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 करके वो डिपॉजिट उसमें से निकल जाता है, और इसके जोड़ों के दर्द में, ख़ास तौर से घुटने के जोड़ में दर्द, जो दर्द होता है उसके आर्थराइटिस के कारण, वो इसके जो आलू के जूस से वो सब ठीक हो जाता है। तो अब हमने ये आलू ले लिया, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया, फिर उसको 10 मिनट तक पानी के अंदर भिगो के रखा, और फिर इसको ब्रश से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और फिर अब हम इसको जूसर में डालने के लिए इसको काट लेते हैं, छिलके समेत, छिलका नहीं हटाएं। ये हमने आलू को काट लिया है, और अब हम इसके साथ कुछ मिक्स नहीं करेंगे। अब ये दो आलू का जूस इसमें निकल आया है। दो आलू पर पर्सन बिल्कुल ठीक है, इसे ज़्यादा न लें, क्योंकि हर एक की हमको मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो आपका डिपॉजिट दो हड्डियों के बीच में हो जाता है, उसको धीरे 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 करके निकालता रहेगा, और उसमें आपको फ़ायदा नज़र आएगा, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है। ये जो आलू का जूस हमने बनाया है वो नॉर्मल व्यक्ति न लें, जिनको आर्थराइटिस की तकलीफ़ है वो लोग ही लें उसको, क्योंकि ये सब दवाई के तौर पे हम लोग ले रहे हैं। तो जो आदमी बीमार नहीं है, जिसको आर्थराइटिस नहीं है, वो कृपा करके ना लें इसको। अभी मैं एक ऐसा जूस बताऊंगी जो कि एकदम नॉर्मल और हेल्दी व्यक्ति के लिए है, और हेल्दी का मतलब ये है कि अपनी उसको हेल्थ को मेंटेन करना है। तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक तो पहले टमाटर हम ले लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं बीटरूट। ये भी आजकल गर्मी में हो रहा है, काफ़ी मुश्किल से हो रहा है, लेकिन हो रहा है छत के ऊपर। तो इसका, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ जो है बीटरूट बहुत ज़्यादा पोटेंट है, तो इसलिए हम उसका आधे का भी आधा लेंगे, और तब उसका हम जूस निकालेंगे। और टमाटर तो हम दो तीन ले सकते हैं, और यदि आप नॉर्मल हैं तो आप ये वाला जूस कम से कम 6 महीने तक आप ले सकते हो, और फिर थोड़ा सा गैप देके, क्योंकि जूस थेरेपी का ये सिद्धांत है कि लंबे समय तक उसको नहीं लिया जाए, उसको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। और यदि आपको आंवला अवेलेबल है तो आप आंवला भी इसमें 1 पर पर्सन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हम तीन चीज़ों का जूस बना रहे हैं अपने आप को हेल्दी रखने, टू मेंटेन योर हेल्थ। पर व्यक्ति ये आधा पोर्शन काफ़ी है। और दूसरा, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, उसको भी हम लंबे टुकड़ों में काट लेंगे, और ये आंवला है, इसके हम टुकड़े काट लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति के लिए एक आंवला काफ़ी पड़ेगा। अभी हम जूस निकाल देते हैं। तो ये हमारा बीटरूट का और आंवले का और टमाटर का जूस तैयार है। ये इतना एक व्यक्ति के, हेल्दी व्यक्ति के लिए ये काफ़ी है। अब मैं आपको एक ऐसा जूस बताऊंगी जो कि आपके लिवर के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है, लिवर के लिए, पैनक्रियास के लिए, और वो है मूली का जूस। ये मूली हमने ले ली है, ये गर्मियों की मूली है, और इसको हमने ये जो इतनी बड़ी मूली है उसका आधी मूली ही काफ़ी है उसके लिए। और जैसे जिनका स्लगिश लिवर हो जाता है, जिनको भूख नहीं लगती है, या कई दफ़ा पीलिए की बीमारी हो जाती है, जो हल्का सा उनको जॉन्डिस हो जाता है, तो हम उसको महीने भर से ज़्यादा हम नहीं देंगे। महीने भर में आपको काफ़ी ज़्यादा पता लग जाएगा कि उसको काफ़ी हद तक वो ठीक हो चुका है। तो ये इसमें और कुछ नहीं ऐड करेंगे, खाली मूली का जूस है, इसमें नींबू या वो सब ऐड नहीं कर सकते हम लोग। अभी मूली का जूस निकल आया है, तो इसको आप दिन में 2 दफ़ा दें उस पेशेंट को जिसको कि जॉन्डिस हो रखा है। इसकी टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप दवाई के तौर पे इसको पी रहे हैं, तो आपको पीने से बहुत इसको फ़ायदा होगा।
ये सब्जियाँ कड़वी जरूर हैं, लेकिन गुणों से भरपूर हैं। इनके गुणों से पहचान करवाएंगे आपकी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। देखिए कार्यक्रम मंडी खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 और 10:05 पर सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो देख रहे हैं ना आप कि अपने आप को हेल्दी एंड फिट बनाने के लिए कैसे आप अपने टेरेस गार्डन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए ऐसी ही और भी बातें आपको बताते हैं और हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये लौकी है, इसका भी जूस बना सकते हैं, लेकिन उसका जूस की भी वही क्वालिटी है जो कि खीरे के जूस की होती है। तो ये जैसे हाई एसिडिटी में देते हैं लोगों को, या जिनके पेट में अल्सर्स वगैरह होते हैं उनको भी दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि लौकी को पहले आप चख लें, क्योंकि कई दफ़ा जो लौकी होती है वो कड़वी होती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसलिए इसको अच्छे से चखना चाहिए। वही बात मैं खीरे के लिए कहूँगी कि खीरे को भी आप अच्छे से चख लीजिए, कड़वे खीरे का ना लें, न कड़वी लौकी का लें, उससे फ़ायदे के बदले आपको नुकसान हो सकता है। और इसमें नमक बिल्कुल ना ऐड करें, दिस इज़ एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, नमक इसमें ना ऐड करें। और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नींबू डाल सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, जो रॉ फॉर्म है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रॉ जूस थेरेपी। तो अभी हम कर रहे हैं सैलरी की बात। ये सैलरी जो आजकल आ रही है छत पे, तो बहुत ही बढ़िया रूप से उग रही है, और ये जाके आपको जुलाई अगस्त में जाके ख़त्म होती है, लेकिन अभी तक ये चल रही है। तो इसका हम जूस निकालेंगे। ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इसका जो जूस है वो दूसरे जूस की तरह, जैसे हम लोग मॉर्निंग में लेते हैं, उस तरह से नहीं लिया जाता है। सोने से 3-4 घंटे पहले आप इसका जूस निकालें, और उसमें हो सके थोड़ी हनी भी डाल सकते हैं। हनी के साथ मिला के इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। तो सिर्फ हम इसकी डंडी का जूस निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसको काट लेते हैं और यहाँ से काट लेते हैं, करीब 6-7 इंच तक इसको हम काट लेते हैं। इसकी एक एक चीज़ काम में आती है। तो इसके आप पत्ते नहीं फेंकेंगे, पत्तों को अभी जैसे मैंने बताया कि इसको सुखा के, उसको रब करके उसको आप सूप में डाल सकते हो, उसमें आप इसको किसी भी सैलेड में डाल सकते हो, या किसी सब्ज़ी में भी डाल सकते हो। दही और रायते में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सुखा के आप इसको रख लीजिए। ये बहुत, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़बरदस्त होता है, खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। अभी हम इसकी सैलरी की डंडी का जूस निकालने वाले हैं। अभी ये सैलरी का हमने जूस निकाल दिया है। तो ये जो जूस है वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, और स्पेशली जो लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, जो कि जितने भी टॉक्सिन्स आपके बॉडी में हैं वो भी सारे बाहर निकल आते हैं। तो जब हम जूस थेरेपी करते हैं और जूस निकालते हैं, उसके तुरंत ही बाद पी लिया जाता है। यदि आप उसको 10 मिनट भी रखेंगे, या कभी आप फ्रिज में रख देंगे, तो उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे विटामिन जो हैं वो एयर के साथ मिलके एवेपरेट हो जाते हैं, और कई दफ़ा यदि उसमें आयरन है तो वो ऊपर से काला भी पड़ जाता है, ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है उसका।
तो इसलिए उसका जूस का स्वाद भी नहीं अच्छा रहता और पूरे न्यूट्रिएंट भी उसके नहीं मिल पाते हैं। जूसर की सफाई के बारे में जैसे मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर जैसे गुदा पड़ा हुआ है उसको न छोड़ें, उसको ऐसे न छोड़ें और उसको निकाल के साफ करें और बिल्कुल सूखा के उसको अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करें। बाजार का जूस न पिएं क्योंकि उसमें वो कप का पड़ा हुआ है, यदि उसका जूसर साफ नहीं है तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, दूसरा ग्राहक आता है फिर वो बनाता है फिर बैक्टीरिया वो पीते हैं, तो वो आपको फ़ायदे के बदले नुकसान कर सकता है। जो भी सब्जियां हमारे छत पर हो रही थी जिनको हम ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे थे उनका हमने अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए और हमारी जो भी बीमारियां हैं उनको सुधारने के लिए ठीक होने के लिए हमने जूस थेरेपी बताई है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि आपके छत पे तो ये हो ही रही है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत से आपको जो फल मिलेगा वो है आपकी गुड हेल्थ और जो भी आपकी बीमारी है यू गेट रिड ऑफ दैट बीमारी। माना कि इन जूसेस का टेस्ट थोड़ा अटपटा जरूर है लेकिन अपनी हेल्थ के लिए टेस्ट के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज तो बनता है, तो बस हो जाइए शुरू, अपने घर से ही शुरुआत कीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए और अपने डॉक्टर्स को अपने से दूर भगाइए। तो आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमारी पूरी टीम को, नमस्कार।